मेरे से पुराने जैसा प्यार एक्सपेक्ट मत करना अक्षय जी। डू नॉट। ये जो भी मामला है मेरी और मेरी माँ का, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं। तो ब्रेस क्या कर रहा है? उसकी असलियत जानने के बाद वो किस हैसियत से इस घर? मैं अपने शौहर को धोखा देने में आपका साथ नहीं दूंगी। तुम जैसा फ्रॉड मेरे तो क्या किसी लड़की की मोहब्बत के लायक? तलाक एक बदनुमा दाग है किसी भी लड़की के लिए, और मैं अपनी बेटी के माथे पर यह दाग नहीं रखूंगी। पता बेहतर क्या दोनों के लिए? तुम अपना रास्ता लो, मैं अपना रास्ता। इसे शेयर करने से बहुत हल्का हो जाता। आप ना बदले इसलिए इरादा बदल रही। सोच रहा हूँ अब शादी कर ही ली है तो भाभी निभा तो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो बात कर रहे हैं ड्रामा फ्रॉड की। तो फ्रॉड ड्रामा बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है। माया अपनी लाइफ में बहुत खुश है, अपनी छोटी सी फैमिली के साथ, अपनी बेटी और अपने शोहर के साथ बहुत खुश है, उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करती है। दोनों ही बैठे होते हैं तो उसके माया का शोहर उससे बोलता है कि सोच रहा हूँ कि शादी कर ही ली है तो अब निभा भी लें। तो उस पर माया बोलती है निभा तो रहे हैं, और वो एक बहुत अच्छा टाइम आपस में गुजारते हैं। और आप देखेंगे कि तूबा को शर्जील की असलियत पता लग चुकी है, तो अब वो उससे बोल रही है कि तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैं तुम्हें पहले की तरह प्यार कर लूंगी। तो शर्जील उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको बुरी तरीके से बेइज्जत करके वहां से चली जाती है। और आप देखेंगे कि माया अपनी सास के पास आती है और कहती है कि मैं अपने शौहर को धोखा देने में आपका साथ नहीं दूंगी। और माया जो है शान को कुछ अपनी उसकी माँ के बारे में बताती है, तो शान उस पर से बोलता है कि ये मेरा और मेरी माँ का मामला है, तुम्हें इसमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। माया शर्जील के पास आती है और कहती है तुम जैसा फ्रॉड मेरे तो क्या किसी भी लड़की के मोहब्बत के लायक नहीं है। उस पर शर्जील कहता है कि पता है हम दोनों के लिए बेहतर क्या है? तो वो बोलता है कि तुम अपना रास्ता नापो और मैं अपना रास्ता नापूंगा। और शर्जील उसे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करता है। फिर माया वहां से चली जाती है। और आप देखेंगे कि माया और शान गाड़ी में जा रहे होते हैं, तो शान देखता है कि माया परेशान है। तो शान माया से कहता है कि अगर तुम मुझसे अपनी परेशानी शेयर कर दोगी तो शायद तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाए। मजीद आप देखेंगे कि माया अपनी सास के पास आती है और कहती है कि शर्जील यहाँ पर क्या कर रहा है, उसकी असलियत आप जान चुकी हैं, उसके बावजूद भी शर्जील इस घर में क्या कर रहा है। उस पर उसकी सास कहती है कि तलाक एक बदनुमा दाग है किसी भी लड़की के लिए, और ये दाग मैं अपनी बेटी के दामन पे नहीं लगने दूंगी। तो ना आप लोगों को क्या लगता है कि फ्रॉड ड्रामा अब आगे क्या मोड़ लेगा? क्या माया शान को अपनी असलियत बता देगी? क्या शान को शर्जील की असलियत पता लग जाए? और अब क्या अगला कदम होगा माया की साथ? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल वीडियो वर्जन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना मत भूलें।